हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पोको C3 डिवाइस में पोको की तरफ से MIUI 12 का यहाँ पे एक नया अपडेट आया है इंडिया के अंदर, एंड मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी न्यू अपडेट के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। इस न्यू अपडेट का यहाँ पे वर्जन क्या देखने को मिला है, साइज क्या देखने को मिला है, और इस न्यू अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है, साथ ही इस न्यू अपडेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे, तो ओवरऑल इन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर पोको C3 डिवाइस को यूज कर रहे हो तो आप में से काफी सारे यूजर्स के डिवाइस में इन दिनों काफी ज्यादा यहाँ पे बग्स देखने को मिल रहा था और अभी भी देखने को मिल रहा है, तो उन सारे बग्स को इस न्यू अपडेट के बाद फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों, पोको C3 डिवाइस में पोको के तरफ से MIUI 12.0.19.0 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, एंड इस अपडेट का साइज आपको 156 MB देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोग जैसे ही अपने डिवाइस में स्नैपडेट को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डिवाइस में सिक्योरिटी में सेप्टेम्बर के मंथ का यहाँ पे एकदम न्यू सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है पोको C3 यूजर्स के लिए। यहाँ पे उन्हें एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो सिस्टम के सिक्योरिटी को इस न्यू अपडेट के बाद और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, साथ ही सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, इस MIUI 12.0.19.0 एंड्रॉयड 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को यहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, तो डेली टास्क में मल्टीटास्किंग में और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, पोको C3 यूजर्स में से काफ़ी सारे यूजर्स के डिवाइसेस में बैटरी ड्रेन का यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा था और अभी भी देखने को मिल रहा है, तो फाइनली MIUI 12.0.19.0 अपडेट के बाद आपके डिवाइस के यहाँ पे बैटरी ड्रेन इशू को फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इस न्यू अपडेट के बाद गेमिंग सेक्शन में भी ऑप्टिमाइज किया गया है, तो यहाँ पर गेमिंग में पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पोको C3 डिवाइस में आपको ये सारे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे पोको की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड किए गए थे, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस अपडेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स और ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, फिर अबाउट फोन में चले जाना है, एंड लास्ट में आपको वहाँ पर वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको MIUI 12.0.19.0 का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा, एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट शो नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।